अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ताबीज़ यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज मैं बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूँ। इस वजीफ़े को आप लोगों को जुमे वाले दिन करना होगा, यानी फ्राइडे वाले दिन करना होगा। इस दिन की ही इतनी फजीलतें हैं, तो आप लोग सोचिए इस दिन आप लोग इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो आपका काम कैसे नहीं बनेगा। आपका कोई भी मकसद है, आप जैसा चाहोगे इस अमल को करने के बाद वैसा होगा। आप लोग जो मांगोगे इसको करने के बाद वो होगा। एक शब्द का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा। सिर्फ 10 बार आप लोगों को इस एक शब्द को पढ़ लेना है और उसके बाद आप लोग, मैं वादा करता हूँ, जो मांगोगे वो मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा ना, आप लोगों की नेक और जायज़ हाजत होगी, तो वो मैं वादा करता हूँ इस वजीफ़े को करने के बाद कभी वो रद्द नहीं जाएगी आपकी। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक बने रहें। अगर आप लोग इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को देखिए पढ़ना क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को मैं यहां पर एक शब्द लिख कर दिखा देता हूं किस तरीके से आप लोगों को उस शब्द को पढ़ना होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इसको करने के लिए आप लोगों को खामोशी के साथ इस वजीफे को करना होगा, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन इसको करना है, ध्यान रखें, जुमे वाले दिन ही इसको करना है। और 3 बार आप लोगों को शुरू में दुरूद पाक पढ़नी होगी। इसको करने के लिए आपकी स्क्रीन पर दुरूद पाक दिखाई दे रही है, उस दुरूद पाक को आपको सबसे पहले 3 बार पढ़ना होगा। उसके बाद जैसा कि आपको मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, या बारी ओ, आप लोगों को ये एक शब्द पढ़ना है या बारी ओ। मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को लिख कर दिखा देता हूँ, या बारियो। इस तरीके से आप लोगों को ये एक शब्द पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 10 बार पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा इसको पढ़ने में? महज 1 मिनट भी नहीं लगेगा। या बारियो, या बारियो, या बारियो, या बारियो, इस तरीके से 10 बार पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है, वही जो आपने शुरू में पढ़ी थी। यानी शुरू में और आखिर में 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें और बीच में इस शब्द को आप लोग 10 बार पढ़ें। इतना करने के बाद आप लोग अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगें। आप लोग जो दुआ मांगोगे इसको पढ़ने के बाद, वो दुआ आपकी कभी रद्द नहीं जाएगी, अगर वो आपकी नेक और जायज़ हाजत होगी, यानी कि नेक और जायज़ दुआ होगी आप लोगों की। प्यारे दोस्तों, बहुत ही पावरफुल दिन का ये वजीफ़ा है और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप लोग ज़रूर करें। तो मैं इसका वक्त बता दूँ आप लोगों को, इसको असर और मगरिब के दरमियाँ करना है, यानी असर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज से पहले करना है, यानी कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में इस वजीफ़े को आप लोगों करना है। यानी असर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज से पहले पहले बीच में इस वजीफ़े को आप लोगों को करना है, और दूसरे वक्त में आप लोगों को इस वजीफ़े को नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें। इसको सिर्फ़ जुमे वाले दिन ही करें। आप लोग जैसा चाहोगे वैसा होगा। आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी दुआ होगी आप लोगों की, वो ज़रूर कबूल होगी। 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, 10 बार या बारियो पढ़ें, आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आपका जो भी मकसद है उसके लिए आप लोग दुआ मांगें इस तरीके से, हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से। तो प्यारे दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। तो फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।